हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। ये कार है, फोर्ड की फिगो है। सो, इस कार में एक प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर ने गाड़ी स्टार्ट खड़ी करी थी 5-10 दिन के लिए, मतलब कि पड़ी हुई थी कार और फिर स्टार्ट नहीं हुई। तो देखा जो इसमें ये जो इसकी एयरबैग की लाइट आ रही है, ये ब्लिंगिंग कर रही है एयरबैग की लाइट, मतलब कि बस केवल एयरबैग की लाइट ही आ रही है इसमें, और कोई लेट नहीं है। चाबी चाहे मैं चाबी ऑन कर दूं, ये चाबी ऑन है। ठीक है, इसके विंडोज़ अप डाउन होंगे, हेडलाइटें भी चल रही है, सब सही है। बैटरी भी चेंज कर दी कस्टमर ने, कहा बैटरी भी दूसरी लगा के देख ली तो भी वो की हुई कंडीशन है। सो फिर हमने इसको चेक करी गाड़ी को, इसमें और कोई मतलब मीटर के अंदर कोई भी लाइट शो नहीं कर रही है, बस ये एक ये एयरबैग वाली लाइट ही आ रही है बस। सो फिर हमने देखा इसको, इसका कंसोल बॉक्स वगैरह हटाया, इसका यहाँ पे एक ग्राउंड लगता है, ये एक ग्राउंड लगता है यहाँ पे, ये भी हमने ग्राउंड चेक किया, और आगे बैटरी के वहाँ भी ग्राउंड लगता है, वो भी हमने चेक किया। इसका मैं दिखाता हूँ अभी एक मिनट, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब कोई ग्राउंड मिस हो, मतलब कि बराबर बॉडी अर्थ ना मिल रहा हो। सो हमने इसका ये यहाँ पे ग्राउंड लगता है नीचे, जो कि आप देख सकते हैं वो लग रहा है ग्राउंड नीचे स्टैंड के नीचे। एक मिनट, सही दिखाई नहीं दे रहा है। ये बैटरी के यहाँ पे ये ग्राउंड लगता है बैटरी के जस्ट नीचे, बैटरी स्टैंड के नीचे। ये भी हमने चेक किया इसका, ये भी मतलब कि कार बना रहा था, हमने साफ करके लगा दिया, क्योंकि कई बार इसकी भी प्रॉब्लम आती है। सो, ये तो बिल्कुल कंप्लीट ही था। फिर हमने इसका डैशबोर्ड खोला, ये और चूहों ने देख सकते हैं आप कितना मतलब कि पूरा कचरा ही कचरा कर रखा है अंदर। सो, चूहों ने इसका जो है यहाँ का ग्राउंड का वायर काट दिया, ये इसका यहाँ पे ग्राउंड लगता है। सो, यहाँ से मीटर में इसमें ग्राउंड जाता है। सो, ये वायर कटने के हिसाब से इसमें लाइट नहीं आ रही थी। वायर सब कंप्लीट करके फिर वापस अब इसको मीटर लगा के चेक करते हैं। और ये इसका अर्थिंग वायर दूसरा लगा दिया हमने, और इसके एक बार ब्लोअर से हवा वगैरह मार दी है इसमें, जैसे कि कचरा सारा ये बाहर निकाल दिया व्यवस्थित, बाकी वो वॉशिंग होगी उसमें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, वॉशिंग के अंदर एक बार क्लीन हो जाएगा। बस अब डैशबोर्ड इसका फिट करते हैं, और बाकी सब इसके वायर जो भी थे कहीं से कटे वटे नहीं है चेक कर लिए एक बार। बस मेन प्रॉब्लम थी जो इसके एक वायर की थी, बस एक वायर टूटने से गाड़ी मतलब कि बंद स्टार्ट नहीं हो रही, और मीटर में डैश पैनल में लाइट नहीं आ रही, केवल एक छोटा सा वायर पतला सा, बस यही था। और बाकी इसके अंदर अपने को खाने पीने की चीज़ें ना गिराए अंदर, ताकि चूहे ना आए, और इसमें कपूर की जो कपड़ों में रखने की गोलियाँ होती है वो आगे बैटरी के वहाँ पे वगैरह रख दे, और अंदर भी रख दे मैं, ताकि कपूर की खुशबू से मतलब कि चूहे नहीं आते हैं। बाकी एक बार डैशबोर्ड फिट करके वापस एक बार चेक करते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड की फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट, और अब चेक कर रहे थे ये चाबी ऑन, सारी लाइट आ रही है बिल्कुल ओके, ये गाड़ी स्टार्ट। बिल्कुल ओके है। सो, इसमें प्रॉब्लम थी केवल वो एक जो इसका ग्राउंड का वायर छुटा हुआ था, जो कि चूहे ने काट दिया था, बस एक वायर के वजह से मतलब कि वो इसमें एयरबैग की लाइट शो कर रही थी अंदर, और कोई भी लाइट नहीं आ रही थी, ना तो सेल्फ ले रही थी ना कोई लाइट शो कर रही थी, बिल्कुल जैसे कि बैटरी है ही गाड़ी के अंदर, बैटरी लगी हो बिल्कुल लो हो, वैसे वो कंडीशन थी इसके अंदर। सो, कभी कभी एक छोटा सा एक वायर मतलब कि एक ग्राउंड का वायर छूटने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
तो मैं नई नई वीडियो रोज़ अपलोड करता रहूँगा।